नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है सामने। लखनऊ में सीएम आवास पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बैठक बदस्तूर जारी है। डीजल पेट्रोल पर वैट जो लगता है उसको लेकर के चर्चा विस्तार से चल रही है। शाम से ये बैठक चल रही है सीएम आवास पर। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहत दे सकती है सरकार। जनता टकटकी लगाए हुए है मुख्यमंत्री के आवास की तरफ। क्यों, समझ लीजिए। गाड़ी चलती है पेट्रोल से और पेट्रोल की कीमतों में राहत मिल सकती है और आम जनता के लिए हो सकता है दिवाली बोनस। लेकिन ये बोनस कितना होगा, कितनी राहत मिलेगी और कितनी आफत आएगी, ये मीटिंग के बाद तय होगा। तमाम वित्तीय विभाग के अधिकारी इस समय सीएम हाउस में मौजूद हैं। बैठक चल रही है। बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना इस समय सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। सिरदर्द क्यों है, क्योंकि विपक्षी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरे हुए हैं। ऐसे में सरकार की बड़ी जिम्मेदारी कि विपक्षियों से पल्ला झाड़े और साथ में जनता को राहत पहुंचाए, क्योंकि राहत नहीं तो वोट नहीं। तो राजधानी से बड़ी खबर, अहम जानकारी, ग्राम जीरो का रुख करते हैं। अविनाश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बैठक चल रही है, बैठक में कौन मौजूद, कितनी राहत? बिल्कुल, कुछ आपको बता दें, जिस तरह लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको कुछ रियायत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बैठक बुलाई थी। बैठक में तमाम जीएसटी के अधिकारी और तमाम मंत्रीगण वहां पर मौजूद थे। जिस तरह से लगातार जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको राहत देने के लिए एक ये कह लीजिए कि उस पर चर्चा की गई है। जल्द ही कुछ निर्णय निकल कर आएगा। आगामी जिस तरीके से दीपावली का त्यौहार है, अगर ऐसे में अगर थोड़ी रियायत, अगर क्या इस दौरान किसी तरह की बात निकलकर सामने नहीं आई है? क्योंकि आप कह रहे हैं बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद क्या किसी तरह की कोई पीसी नहीं की गई है या फिर ये बाद में पीसी की जाएगी? किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है क्या अभी तक? बिल्कुल, बैठक तो हो चुकी है लेकिन अभी किसी तरीके कोई आधिकारिक रूप से अभी कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि कल तक आधिकारिक तौर से आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम आवास पर पेट्रोल डीजल को लेकर बैठक चल रही थी। बैठक में कुछ अहम निर्णय निकल करके आ सकता है, हालांकि निर्णय अभी तक साफ नहीं हुआ है। वैट को लेकर के बैठक चल रही थी कि वैट पर कोई डिसीजन हो सकता है।